खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पीएम आवास योजना पर कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस प्रश्नों के उत्तर को आधा अधूरा बताकर प्रस्तुत कर रही है। कांग्रेस ने पीएम आवास के लिए जनता को तरसाया है और आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद 5000 आवास प्रति महीने बन रहे हैं और पीएम आवास दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर उद्योग संघ के प्रदर्शन पर अरुण साव ने कहा कि उद्योगपति साथियों से आग्रह करता हूं कि बातचीत से समस्या का समाधान करें। हर समस्या के समाधान के लिए रास्ते होते हैं। अन्य राज्यों की तुलना में बिजली की दरें कम हैं। सरकार आपको हर तरह की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रश्नों के उत्तर को आधा अधूरा प्रस्तुत करके जो भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। जिस कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए तरसाया, आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। विधानसभा के प्रश्न में शहरी आवास के लिए आप सबको पता है कि वह योजना दिसंबर 2024 तक के लिए थी और उस योजना में इस दौरान हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से राशि आई है। शहरी आवास योजना में कांग्रेस की सरकार के समय लगभग 1500 आवास प्रति महीने बनते थे, हमारी सरकार बनने के बाद आज 5000 शहर में प्रति महीने आवास बन रहे हैं और लगभग 400 करोड़ की राशि इन हमारी सरकार बनने के बाद शहरी आवास के हितग्राहियों को दिया है। वो प्रश्न का उत्तर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है और प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये जो भ्रम फैलाने की राजनीति है कांग्रेस की, ये दुर्भाग्यजनक है और गरीबों के जरूरतमंदों के भावनाओं पर नमक छिड़कने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, मैंने भी वो बात पढ़ी है। यह भी सही है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बिजली की कीमत कम है और मैं आग्रह करता हूं अपने उद्योगपति साथियों से कि सरकार के साथ सहयोग करें। सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ के उद्योगों के विकास के लिए हम हर प्रकार के रास्ते निकालते हैं। मैं उद्योगपतियों से आग्रह करूंगा कि सरकार के साथ सहयोग करें और जो अधिकारियों ने, रिटायर्ड अधिकारियों ने बात कही है, मुझे लगता है कि उन्होंने सारी बात स्पष्ट की है। मैं अब भी आग्रह करूंगा कि सरकार के साथ सहयोग करें और सरकार आपको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है।